हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं यहाँ पे टेक चैनल। मेरा नाम है आकिब बेग। गेल इंडिया लिमिटेड को अगस्त 1984 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय MOP और NG के तहत एक सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी PSU के रूप में शामिल किया गया था। कंपनी को शुरू में हजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर HVJ पाइपलाइन परियोजना के निर्माण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी दी गई थी। यह दुनिया के सबसे बड़े फ्रांस कंट्री नेचुरल गैस पाइपलाइन प्रोजेक्टों में से एक था। मूल रूप से यह 1800 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई थी और इसने भारत में प्राकृतिक गैस के लिए बाजार के विकास की नींव रखी। 722 करोड़ रुपए के HVJ पाइपलाइन कॉन्ट्रैक्ट पर 10 मई 1986 को फ्रांस की कंपनी स्पेकैपेग और जापान की कंपनी NKK और जापान इंजीनियरिंग के साथ अन्य सदस्यों के रूप में हस्ताक्षर किए थे, जिसमें तमाम आधार पर HVJ पाइपलाइन का निर्माण किया गया था, जिसमें डिज़ाइन, सप्लाई, हैंडलिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कंस्ट्रक्शन और कमीशन ऑफ कंप्रेसर स्टेशन, टर्मिनल, कैथोडिक प्रोडक्शन सिस्टम, टेली कम्युनिकेशन और टेले सुपरवाइजरी सिस्टम और भी बहुत कुछ शामिल थे। हजीरा विजयपुर खंड के लिए पाइपलाइन बिछाने का काम जून 1987 के बीच में पूरा हो गया था और जुलाई 1987 के अंत तक चालू कर दिया गया था। पाइपलाइन को लामबंदी के 9 महीने के अंदर और कॉन्ट्रैक्ट हस्ताक्षर से 15 महीने के अंदर चालू किया गया था। नवंबर 1988 में गेल को 300 करोड़ रुपए के निवेश से विजयपुर में LPG एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाए जाने का अप्रूवल प्राप्त हुआ। HVJ गैस पर आधारित 40 लाख TPA से अधिक की क्षमता की यूनिट को 20 लाख TPA प्रत्येक की क्षमता के दो स्टेप्स में लागू किया गया था। 1990 से 1991 तक विजयपुर में LPG प्लांट के स्टेप 1 का पूरा होने का कार्यक्रम तय समय से 8 महीने पहले पूरा हो गया था। इसके बाद विजयपुर में स्टेप 2 नवंबर से दिसंबर 1991 में पूरा हुआ था और फरवरी 1992 में चालू किया गया था। मुंबई शहर गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट के लिए 6 दिसंबर 1994 को ब्रिटिश गैस के साथ एक जॉइंट उद्यम एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए थे। महानगर गैस लिमिटेड के नाम और शैली में एक कंपनी को शामिल किया गया और कंपनी ने बॉम्बे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट को लागू करने के लिए व्यवसाय शुरू करने के लिए एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया। साल 1993 से 1994 में सरकार ने गेल को प्रोपेन की देश में मार्केटिंग करने की अनुमति प्रदान की। साल 1995 से 1996 में प्राकृतिक गैस के विभिन्न भाग के ऑप्टिमल उपयोग के लिए विजयपुर में 2 प्रोपेन रिकवरी प्लांटों को चालू किया गया था। इसके कई बिजनेस सेक्शन हैं: प्राकृतिक गैस, तरल हाइड्रोकार्बन, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस ट्रांसमिशन, पेट्रोकेमिकल, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन, गेल टेल और इलेक्ट्रिक सिटी जनरेशन। गेल को भारत सरकार द्वारा 1 फरवरी 2013 को महारत्न का दर्जा दिया गया था। केवल 8 और पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस यानी PSES सभी सेंट्रल CPSE के बीच इस प्रतिष्ठित स्थिति का आनंद लेते हैं। गेल को ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट 2014 के अनुसार भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांडों में 131वें स्थान पर लिस्टेड किया गया था। यह अध्ययन ट्रस्ट रिसर्च एडवाइजरी द्वारा आयोजित किया गया था। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे जो लाल कलर का बटन है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसी के बगल में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि हम कोई भी नई वीडियो डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी वीडियो को मिस ना कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, चलता हूँ, दुआ में याद रखना और मेरा जिक्र करना है तो सब्सक्राइब जरूर करना। कीप लविंग, कीप शेयरिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा एंड बाय।